नंबर है, 9 नंबर में देखिए दिया हुआ है 100 एंड 190 का निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 190 ग्रेटर है 100 से, तो ए इक्वल टू में 190 और बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड्स, यूक्लिड्स डिवीजन, डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर आर जो होगा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा बी, यही ना होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहाँ पे इधर 190 स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, तो स्टेप फर्स्ट इधर 190 और इधर 100 डिवाइड करके देखो, एक बार में ले जाएंगे 100, 90 बचेगा, तो इंटू में 1 और प्लस में 90, तो रिमाइंडर 0 नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप लेंगे, तो चलते हैं अगले स्टेप सेकेंड में, स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो स्टेप सेकेंड में इधर आपको लेना होगा 100 और इधर लेंगे 90, एक बार में ले जाएंगे आपका रिमाइंडर 10 बचेगा, आप देख लो डिवाइड करके। ठीक है, एक बार में ले जाएंगे रिमाइंडर आपका 10 बचेगा, तो फिर नहीं आया 0 तो हम लोग लिखेंगे स्टेप थर्ड में, इधर इधर क्या ले लेंगे, तो इधर आपका 90 हो जाएगा और इधर आपका ये डिविजर हो गया और इधर आपका रिमाइंडर वाला ले लेंगे। ठीक है, चलिए कितना बार में 10 9 90, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ से एलसीएफ क्या हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ पर डिवीजर होगा 10, समझ गए।